नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ तभी संभव होता है जब आप ये एपिसोड देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से सारा काम एफर्ट्स कर रहे हैं और आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसकी वाहवाही नहीं कर रहे, आप उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जब आप सब हमारे साथ चलते हैं तो ही आगे बढ़ना बंदा इजी रहता है। तो दोस्तों, जैसे जेमोलॉजी के ऊपर हमारे बहुत ढेरों एपिसोड आपने देखे होंगे, आगे भी कंटिन्यू ये चीजें चलती रहेंगी। ये नहीं कि ये यहीं तक सीमित थी, ये लगातार कारवा चलता चला जाएगा। मैं यहां पे एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं ज्योतिष एक साइंस है और कैलकुलेशन ऑफ मैथ है, नथिंग एल्स। कोई भ्रम, कोई वहम में फंसने की जरूरत नहीं है। जेमोलॉजी आपको सभी वहमों से बाहर लेकर आती है। ये एक वो वेपन है, ये एक वो रामबाण है जो वाकई बिल्कुल निशाने पर जाके लगता है। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड हम आपकी तरफ लेकर आते हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत समझ के बाद और एक्सपीरियंस के बाद तभी ये एपिसोड आपकी तरफ लेकर आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, मेटल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये है कैट्स आई, यानी केतु का रत्न जो कैट्स आई है। मैं फिर से बता दूं, मेरे बहुत सारे एपिसोड आए हुए हैं, लेकिन जब कमेंट बॉक्स के अंदर ऐसे बार बार लोग लिखते हैं कि कैट्स आई के ऊपर हमें और इन्फॉर्मेशन दे, कुछ और बेस्ट बेटर होना चाहिए, तो ये सब उनके लिए ही यहाँ पे एक एपिसोड बनाने जा रहे हैं। वैसे तो बने हुए हैं काफ़ी, लेकिन समथिंग न्यू, समथिंग और बेस्ट क्या हो सकता है। तो मैं सबसे पहले बेसिक्स जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो बता देना बहुत जरूरी समझता हूं। कैट्स आई यानी बिल्ली की आंख के समान दिखने वाला ये जो रत्न है, बड़ा बेहतरीन रत्न है और केतु ग्रह का ये रत्न माना जाता है। यहां पे मैं बता दूं, एक ही शरीर के दो अंग हैं। एक है, जब गर्दन काट दी गई थी राहु केतु की, तो जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। अब अमृत अंदर चला गया था तो डेफिनेटली अमृत का जो बॉडी के अंदर प्रभाव होता है वैसा ही केतु ग्रह को बोला जाता है, बताया जाता है। तो बात करते हैं, बेहद चमकीला होता है। और यहां पे एक और चीज मैं बता दूं, इसके अंदर धारियां होती हैं। जब आप इसे हिलाते हैं तो इसके अंदर धारियां मूव करती हैं, यानी डेढ़ धारी, दो धारी, तीन धारी, ऐसे होता है। और सफेद रंग में भी पाया जाता है, काला भी आता है, पीला भी आता है, बहुत सारे रंगों के अंदर ये आता है, और एक हल्का सा ग्रीन कलर में भी ये अवेलेबल होता है। तो बात कर रहे हैं कैट्स आई की, तो मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं इसके क्या गुण हैं, कैसे इसे प्रयोग में लाया जाता है और इसको लेके कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी चाहिए, यह बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। केतु की महादशा आपकी कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर चल रही हो, केतु अच्छी पोजीशन पे ना हो, केतु बेवजह जाने अनजाने आपको जो फल मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा, या केतु कई बार उच्च स्थान में भी होते हैं वहां पर भी आपको वो रिजल्ट फलीभूत नहीं होता है, इस चीज को जान लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, कुछ चीजों को जगाया जाता है, कुछ चीजों को बूस्ट किया जाता है। बोला जाता है कि कई बार आपको अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में नहीं पता होता है, तो काउंसलिंग द्वारा, जेमोलॉजी द्वारा, पामिस्ट्री द्वारा, या ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स द्वारा आपको बताया जाता है और आप उस क्वालिटीज को अच्छे से कवर अप कर पाते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्मूथ से चला पाते हैं। दोस्तों, एपिसोड लंबा है लेकिन बहुत ही मजेदार, बहुत बेहतरीन, नॉलेजेबल एपिसोड है। अभी एपिसोड को हमने लेंथी क्यों करा है? आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कॉन्टिन्यूसली 4-5 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं,
उनको पता है कि बीच में हमारे एपिसोड 4 से 5 मिनट के आने शुरू हो गए थे। बहुत ढेरों मेल्स, बहुत ढेरों ऐसे लोगों के कमेंट्स आए कि आप इन एपिसोड की टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दें। फिर हमने इसको 9-10 मिनट करा, लेकिन अभी तो ये हाल हो गया है कि वो बोलते हैं कि रमन भाई इसको 14-15 मिनट 17-18 मिनट का कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि आपको बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी दे दें। मैं यहां पे एक और चीज बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि एक तो ऐसे हमारे बहुत सज्जन, मैं उनका नाम तो यहां पे नहीं ले पाऊंगा, तो उन्होंने तो मेरे को ये बोला कि रमन भाई आप एवरीडे एपिसोड अपलोड करो, एवरीडे। तो एवरीडे तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं जो एक्टिविटीज है उसे भी फॉलो करना है। तो ये प्यार, ये स्नेह, ये आपका आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर और हमारी ऑफिस पूरी की पूरी टीम के ऊपर बना हुआ है, तब ही हम पूरी कोशिश करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ आपकी तरफ ये एपिसोड लेकर आते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है, ये बना रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी वो हौसला, वो विल पावर बिल्कुल ऐसे बरकरार रहे कि वाकई यार जिस जुनून है कुछ ना कुछ करना है, दिखाना है लोगों को। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो बात कर रहे हैं कैट्स आई की, तो मैं यहां पे बता दूं, केतु की महादशा या केतु की अंतरदशा भी चल रही हो तब भी इसे पहना जाता है। वैसे तो ज्योतिष के अंदर जैसे बताया गया है, ये तो अभी 200-400 साल पहले ही राहु और केतु को ज्योतिष के अंदर एक मान्यता दी गई है। वरना देखा जाए तो आप प्राचीन पुस्तकें उठा के देखेंगे तो 7 ग्रहों को ही मान्यता दी गई थी। मैं बता रहा हूं 7 ग्रह, जिसमें क्या है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु को छाया के अंदर माना जाता है। लेकिन ज्योतिषियों ने यह अस्तित्व को स्वीकारा है कि वाकई राहु और केतु अपने आप में एक बड़े बेहतरीन रिजल्ट भी देते हैं, नेगेटिव भी देते हैं और पॉजिटिव भी देते हैं। जब भी आप राहु केतु की तरफ चलते हैं, तो मैं यहां पे बता दूं दोस्तों, अगर राहु प्लेनेट आपके हक में आ जाए, केतु प्लेनेट आपके हक में आ जाए, तो बोला जाता है वारे न्यारे हो जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, आप हर एक कार्य को बड़ी सफलता पूर्वक करते चले जाते हैं और बहुत अच्छे से उसमें विजय हासिल करते चले जाते हैं। तो बात कर रहे हैं कैट साई की, बात कर रहे हैं केतु ग्रह के जो रत्न है उसके बारे में। तो दोस्तों, इसे बुधवार शाम को भी पहना जाता है, शनिवार शाम को भी पहना जाता है। मैं यहां पे बता दूं, ज्योतिष के अंदर एक नियम है, बताया गया है कि जब भी सूर्य अस्त होगा, संध्या समय के बाद ही राहु और केतु जागेंगे, शनि भी इसमें साथ जोड़ा गया है। अब देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया है कि जो केतु प्लेनेट है, इसका अगर महादशाएं गलत लग जाएं, तो मोटी मोटी 2-4 चीजें बता रहा हूं होता क्या है। एक तो आपके बने बनाए सारे काम बिगड़ जाएंगे। नंबर 2 पे आपको बहुत बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आपको यह लगेगा कि यार ये काम मैं कर सकता हूं, यहां से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जितनी भी प्लानिंग्स है, जितनी भी स्कीम है, वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। नंबर 3 पे चलते हैं, एक बेवजह का डर फियर सा बना रहता है। नंबर 4 पे चलते हैं, आपको ये फील होना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने कोई ऐसी चीज आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, जिसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूं तंत्र मंत्र यंत्र क्रियाएं भी आपको तंग करती हैं। तो इससे बचने के लिए कैट्स आई से ऊपर दुनिया में कोई ऐसा रत्न ही नहीं बना है। इसे चांदी में डाला जाता है, इसके अंदर आप 4 धातु का टांका भी लगवा सकते हैं। ये नहीं है कि इसे आप 5 मेटल्स के प्रॉपर बनाया जाए, 4 धातु का टांका भी लग जाता है। पूजा करवा के, शुद्ध करवा के, लेबोरेटरी टेस्टेड होना बहुत जरूरी है। अगेन आई कैन आस्क यू, विदाउट लैब अगर आपको स्टोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप चीट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप चाइनीज पत्थरों के शिकार हो जाएंगे, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा।
दोस्तों बात कर रहे हैं कैट साई की। अगर केतु आपके हक में आ जाए तो आप एक बात सुनिएगा मेरी बात बड़े ध्यान से। आपने एक चीज बहुत सुनी होगी कि यार इसने तो ऐसे झंडे गाड़ दिए, परचम लहरा दिए। यहां पे मैं बता रहा हूं, जब भी आप ऐसी चीजें सुनेंगे तो समझिएगा उस बंदे का केतु ग्रह बड़ा अच्छा, बड़ा स्ट्रांग होगा। नंबर दो पे चलते हैं, और केतु क्या करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा आ जाएगा। यू कैन फील सो मच कॉन्फिडेंट, आपको लगना शुरू हो जाएगा कि अरे यार ये कार्य मैं बड़ी सफलता के साथ कर पाऊंगा। और नंबर तीन पे बता रहा हूं, यू आर वेरी मच कमिटेड पर्सन, आप बहुत ज्यादा कमिटमेंट के साथ चलेंगे। अगर आप किसी को कोई वचन, जुबान या ऐसी कोई शर्त दे देते हैं तो समझ के चलिएगा वो 100% आप उसे पूरा करेंगे ही करेंगे, एट एनी कॉस्ट। मैं साथ में ये भी जोड़ देना चाहता हूं। नंबर चार पे चलते हैं, केतु अच्छा हो जाए तो क्या करता है, तो मैं यहां पे बता दूं आपकी जानकारी के लिए, केतु अगर अच्छा हो जाए तो आपको बड़े बड़े खजाने मिल जाते हैं, धन के अंबार लग जाते हैं। ये केतु अच्छे की निशानियां हैं। तो दोस्तों ये छोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर पूरा एपिसोड ये तो पता नहीं, इसके ऊपर तो 500 एपिसोड भी बन जाए तो भी कम है। तो कैट साई की बात कर रहे हैं, कैट साई बिल्कुल डालना चाहिए। अब इसे एक और चीज को क्लियर करते हैं, इसे कौन सी अंगुली में डालना चाहिए, तो मैं यहां पे बता दूं, राइट हैंड की सबसे छोटी अंगुली में डाला जाता है, या आप इसे मध्यमा अंगुली में भी डाल सकते हैं, शनि की अंगुली में। मोस्टली 80-90% पीपल आर वियर इन, आप देखेंगे रिंग फिंगर में डाल के घूम रहे हैं लोग, उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या। तो मैं यहां पे बहुत चीजें बार बार बोलता हूं, हाथ में भी पहना जा सकता है, गले में पेंडेंट बनवा के भी डाल सकते हैं, और आप इसे ब्रेसलेट के तौर पे भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये जो एपिसोड था, आया मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत ही ज्यादा अपने तजर्बे के अनुसार बनाए जाते हैं। मैं आपको यहां पे एक और चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मैं कभी किसी तरह का कोई भी बुक्स के अंदर से पढ़ के या रिटनली उसको लिख के मैं एपिसोड नहीं बनाता, ये मेरी खासियत है। और क्या होता है कि आप अगर एवरीडे जिमलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, मेरे को तो 22-23 साल हो गए, वैसे तो मेरे को पढ़ते हुए 25 साल हो गए, आज भी मेरी रूटीन है, मैं 1 या 2 घंटे जरूर पढ़ता हूं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप 1-2 घंटे कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहां पे बता दूं, मोस्टली मैं ट्रैवलिंग में होता हूं, अभी तो कोविड-19 की वजह से नहीं ट्रैवलिंग हो पा रहा, लेकिन मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूं, मैं गाड़ी में हूं तो भी पढ़ता हूं, अगर मैं बाई एयर जा रहा हूं तो भी पढ़ता हूं। तो मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का शौक है, उस चीज को समझना। ऐसी ऐसी बुक्स जो प्राचीन हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको समझना कि वाकई ये क्या चीज थी, नक्षत्र, ग्रह, ये गैलेक्सी, तो बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो दोस्तों ये जो आप रत्न पहनेंगे, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएंगे, रत्न लेंगे, ओरिजिनल लैब टेस्टेड, और पूजा होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी पूजा अगर आप स्टोन डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आएगा, वो डमी है माय डियर, डमी का तो फिर फायदा ही नहीं है ना, वो तो यू कैन वेस्ट योर मनी एंड टाइम। मैं यहां पे बोलता हूं कि आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाए बगैर कोई भी रत्न, कोई भी मेटल ना पहने। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर है वन ऑफ द बेस्ट नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें, आप अपने बारे में, पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, भाई बहन, माता जी, पिताजी के बारे में, या आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू होरोस्कोप, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा, आप इस पे उनका सारा डाटा छोड़ दें। इन केस आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो कोई इतनी घबराने वाली जरूरत नहीं है, दोनों हाथों की पिक्चर्स लेके उनका नाम व्हाट्सएप कर दें, आपको हमारी ओर से प्रोसीजर आ जाएगा, उसे फॉलो करना है, हमारी बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन
विश्लेषण के बाद आपका मन खुश हो जाएगा कि यार वाकई हमने पैसे पे करे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ट्विटर इंस्टा फेसबुक ऑल एफएम ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। तो इसी उम्मीद के साथ ये एपिसोड अभी खत्म करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।